बड़ी लंबी रसा कशी के बाद कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बने हैं। बावजूद इसके डीके शिवकुमार कहते नजर आए कि मैं खुश नहीं हूं। कर्नाटक में बड़ी जीत से कांग्रेस ने सरकार बना ली है। 6 दिनों के लंबे मंथन के बाद सातवें दिन मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ली और पहले ही दिन कर्नाटक ने 5 गारंटी का वादा भी पूरा कर दिया। करीब 50,000 करोड़ की 5 गारंटी देने का ऐलान कर दिया, जिसका वादा चुनाव जीतने से पहले किया गया था। इन सब के बावजूद डीके शिवकुमार ने भरी सभा में कहा कि मैं खुश नहीं हूं। दरअसल बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद सभी को संबोधित करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, 135 सीटें जीतने के बावजूद मैं खुश नहीं हूं। हमारा अगला टारगेट लोकसभा इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि हमें 135 से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मेरे घर या सिद्धारमैया के घर मत आना, हमारा अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव है। हमारी कांग्रेस पार्टी का काम अभी से शुरू हो जाना चाहिए। लोग हम पर विश्वास करते रहे, हम दोनों को जीतना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए हमारे पास सिर्फ 1 साल का समय है। संसदीय चुनाव के लिए हमें लड़ना चाहिए, अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए और पार्टी अफसरों की भरमार देगी। डिप्टी सीएम की शपथ लेने के दूसरे दिन ही डीके शिवकुमार ने अपना अगला लक्ष्य तय कर लिया है और इसका ऐलान भी कर दिया कि उनका अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, जिसे वे हर हाल में जीतना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि कर्नाटक में अभी भी मंत्रियों की कुर्सी के लिए खींचतान चल रही है। बताया जा रहा है कि सिर्फ 8 मंत्रियों ने ही शपथ इसलिए ली क्योंकि मंत्री चुनने को लेकर खींचतान कम नहीं हुई है। तमाम चर्चा के बाद कांग्रेस की योजना अब 28 मंत्रियों के साथ नई सरकार शुरू करने की है। सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक में 34 मंत्रियों की कैबिनेट की क्षमता है, लेकिन मंत्रालय के विस्तार में काफी देरी हो सकती है क्योंकि दोनों गुटों की निगाहें बड़े विभागों पर टिकी हैं। तो वहीं कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि 28 नामों की एक सूची तैयार थी, लेकिन दिल्ली में सिद्धारमैया और शिवकुमार गुटों के बीच एक तीव्र झगड़े ने आलाकमान को सभी नामों को जारी करने में देरी करने के लिए मजबूर कर दिया। कांग्रेस ने आम सहमति बनने तक इंतजार करने का फैसला किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।